और तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। पिशावर में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात का आगाज हो गया। 53 साल मोहम्मद शफीक भी नवीं क्लास का पर्चा देने पहुंच गए। मोहम्मद शफीक का कहना है कि वो बच्चों की ख्वाहिश पर मैट्रिक का इम्तिहान देने आए हैं। पिशावर में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 53 साल मोहम्मद शफीक भी नवीं क्लास का पर्चा देने पहुंच गए हैं और मोहम्मद शफीक का इस बारे में कहना है कि वो बच्चों की ख्वाहिश पर मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए पहुंचे हैं। तालीम का जेवर हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ, ऐसा कहना था मोहम्मद शफीक का। तालीम में किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। पिशावर में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। पेशावर में आज से शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात में वाबडा का मुलाजिम 53 साल मोहम्मद शफीक भी पहुंच गया। कहता है तालीम से दिल भर गया था मगर बच्चों के इसरार पर फिर से तालीम से जुड़ गया हूं। तो वो बच्चे मुझे कहते हैं कि अबू आप भी मैट्रिक पास करो, तो वो बार बार मुझे कहते हैं, तो फिर मेरे लिए उन्होंने खुद ही दाखिला भिजवाया, सब कुछ उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि आप मैट्रिक कर लो। इस वक्त पेशावर तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जिला चतराल, चारसद्दा, खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी और एफआर पेशावर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात हो रहे हैं जिनमें 1,44,000 से ज्यादा तलब और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन बिलाल कयूम के साथ रहमी सब्जे, 24 न्यूज़, पेशावर।